आरोग्य जागृति। डॉक्टर साहब, ये बायोप्सी और पेट स्कैन में पेशेंट के रिश्तेदार और पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज रहता है, काफ़ी गैर समझ है उनमें, तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, हर बायोप्सी से क्या निदान होता है? बायोप्सी यानी क्या होता है कि कैंसर की अगर सेल है, कोई गांठ है, तो वहाँ पे हम सोनोग्राफी गाइडेड, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड है, वहाँ पे सुई डाली, वहाँ से सेल्स आ गए, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी में जाते हैं, तो हमें पता चलता है इसके अंदर कैंसर सेल है। तो वैसे सीटी स्कैन में भी हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी यानी सुई डाल के एक्टिव जगह पे कैंसर की पेशी डाल के जाँच होना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जाँच यही होती है, इसके ऊपर ही कौन से टाइप का कैंसर है। जब तक हमें कैंसर का टाइप नहीं पता चलता है, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट है। यानी सर्जरी होता है, तो सर्जरी करने के बाद पेशेंट का कुछ गैर समझ ऐसा भी होता है कि बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को कैंसर स्प्रेड होता है, ये उनकी साइकोलॉजी या फिर उनके माइंड से बताते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि बायोप्सी से क्या होता है, बायोप्सी करने से जैसा निदान बताया कैंसर का निदान होता है अपने निदान के लिए, तो कोई सर्जरी होती है इसमें या फिर साधा निडल से भी हो सकता है? नहीं, बायोप्सी यानी कोई सर्जरी नहीं होती है, यहाँ पे एकदम पतली सी सुई होती है, यहाँ पे हम लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, यानी लोकली एक एनेस्थेसिया देके हम सुई डालते हैं ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो। अब लंग में अगर करना है तो वहाँ पे एनेस्थेसिया देके एक सुई डालते हैं, पेशेंट को सांस रोक के रखने के लिए बोलते हैं ताकि इंजुरी ना हो, और जहाँ से सुई देना है हम सुई डालते हैं और फिर कैमरा में चेक करते हैं सुई सही जगह पर गई या नहीं गई, तो वो कैमरा में एकदम एक्यूरेटली पता चलता है कि सुई बराबर वो कैंसर के पेशी में गई है, और जब वो हो जाता है तो हम गन को जैसे शूट करते हैं वैसे वहाँ पे शूट होता है 3 बार, तो वहाँ से टुकड़ा आ जाता है कैंसर के पेशी का, फिर हम उसको एक बल्ब में लेते हैं जिसका वो लिक्विड प्रिजर्वेटिव लिक्विड होता है, और उसके बाद में सुई निकाल लेते हैं। तो ये एकदम डरने वाला बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई ऐसे बड़ी सर्जरी यानी ज़्यादा रिस्क है ऐसा नहीं है। डॉक्टर प्रफुल्ल जटाली सर ने काफ़ी अच्छे हमें मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एमरल्ड डायग्नोसिस सेंटर में एडवांस मशीन क्या है और कौन सी टेस्ट अपने पास किए जाती है, जैसा लोगों को पता नहीं चलता है कि पेट स्कैन, सीटी स्कैन और कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो बताइए। एमरल्ड रिसर्च सेंटर में पेट स्कैन, अभी जो मैंने बताया FDA पेट स्कैन जो है वो एकदम एडवांस्ड पेट स्कैन है मराठवाड़े का। इसके अंदर हम पेट और सिटी दोनों का मिक्सचर होता है, इसके लिए हम पेट सिटी स्कैन बोलते हैं। पेट के अंदर हम कैंसर फिजियोलॉजी यानी बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रही है, और सिटी स्कैन के अंदर बॉडी की रचना यानी एनाटॉमी पता चलती है, तो ये दोनों का मिक्स होके ये जो मशीन है पेट सिटी स्कैन यह लगवाई है, और इसके अंदर हम आगे जाके हमको परमिशन मिली है आयोडीन 131 वार्ड की, यानी आयोडीन 131 मोस्ट ऑफ द सीए थायराइड में यूज़ होता है। आयोडीन 131 थेरेपी जब भी कैंसर का पेशेंट होता है थायराइड के, उसका ऑपरेशन के बाद में उसको वो थेरेपी दी जाती है, और ये थेरेपी लेने के बाद में ऑलमोस्ट पेशेंट का कैंसर जो है क्योर हम बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी में थायराइड एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ऑपरेशन होने के बाद में और आयोडीन 131 थेरेपी लेने के बाद में वो ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है, यानी पेपिलरी, उसके अंदर दो टाइप होते हैं पेपिलरी और फॉलिकुलर, ये ऑलमोस्ट कंट्रोल में आते हैं या क्योर हो सकते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये एकदम एडवांस आयोडीन 131 थेरेपी वार्ड हमारे पास एकदम अच्छी क्वालिटी का और अच्छे वार्ड फैसिलिटी का अभी शुरू होने वाला है। जैसे कि डॉक्टर जटाले साहब ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया था, और मशीन के बारे में कौन सा मशीन है, कौन मशीन का कंपनी कौन सा है, ये कौन सी वर्क करता है, ये उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब हमें पूरे जानकारी देंगे मशीन के बारे में। हमने जैसे कि देखा कि पेट सिटी स्कैन के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये हमारा पेट सिटी स्कैन है, ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये मराठवाड़ा में सबसे अत्याधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नाम है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर गैंट्री होती है, आगे के साइड में पेट का गैंट्री होता है और पीछे के साइड में सिटी स्कैन का गैंट्री होता है। तो पेशेंट को जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन के 1 घंटे के बाद यानी 40 से 60 मिनट के बाद में हम पेशेंट को स्कैन के लिए यहाँ पे बेड पे लेते हैं। तो यहाँ पे लेटते हैं और पेशेंट का स्कैन होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट तक पेशेंट स्कैन के लिए होता है, और कुछ सीक्वेंस होते हैं चेस्ट सिटी, होल बॉडी सिटी और बाद में पेट स्कैन, ऐसे ये सीक्वेंस से पेट सिटी स्कैन किया जाता है।
डॉक्टर साहब, जैसा भी पेशेंट को यहाँ पे लिटाया जाता है और पेशेंट में थोड़ा घबराहट का वातावरण है, ऐसा क्या यहाँ पे आवाज़ से होता है या फिर उनका साइकोलॉजिकल होता है? नहीं, यहाँ पे ऐसे डरने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एमआरआई जैसा गैंट्री नहीं होता है। यहाँ पे जो रिंग है वो अंदर के अंदर ही घूमती है, आवाज़ नहीं आता है। अभी ये जो आवाज़ है ये एसी और इसके मशीन का आवाज़ है, लेकिन ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे एमआरआई में डर लगता है आवाज़ और गैंट्री छोटा होता है, ये वैसा नहीं है। और हमने, अगर आप देख सकते हैं, तो हमने काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है ताकि पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहे। ऊपर भी आप देख सकते हैं, पेशेंट जब लेटते हैं तो उन्हें एकदम अच्छे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। जैसे बताया कि आवाज़ नहीं है, तो इसमें एडवांस क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया? इसके अंदर जो है वो क्यू क्लियर टेक्नोलॉजी है, वो पूरा फिजिक्स का है, वो डिटेल में इतने में छोटे इसमें नहीं बता सकता। लेकिन जो हम पेशेंट को रेडिएक्टिव मटेरियल देते हैं, वो कम से कम यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का इमेज हम तक पहुँचे, ताकि यदि हम अच्छे से देख पाए तो हम पेशेंट को या फिर रेफरिंग डॉक्टर को बता सकते हैं कि बीमारी किस हद तक है, उसका इलाज किस हद तक सही हुआ है, पेशेंट डिसीज़ फिर से आया या नहीं आया है। दर्शकों से हमारी विनती है कि काफ़ी कोई भी अपने को ऐसा डिटेक्ट होता है, गांठ होती है, वो जो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। टेस्ट होती है अलग, सर्जरी अलग होती है, ये दोनों में कंफ्यूज ना रहे। जो हमें लगता है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो डायग्नोसिस के बाद ही हम बता सकते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आरोग्य जागृति में आप ऐसी ही हर एक डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आरोग्य जागृति देखते रहिए, धन्यवाद। आरोग्य जागृति।